लॉजिक गेट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि अलग अलग इनपुट्स के लिए स्पेशल लॉजिक से आउटपुट देता है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। यहां पर देखें 8 लॉजिक गेट्स मेंशन्ड है। इनमें से अगर मान लेते हैं मैं एंड गेट को चूज करता हूं, वैसे कौन सा लॉजिक गेट किस तरह से किस लॉजिक से काम करता है इसके लिए इससे पहले हमने एक वीडियो पे काफ़ी डिटेल्स में बात कर लिया है और उन्हें याद कैसे रखना है उसका भी शॉर्टकट पे हमने बात कर लिया है। तो अगर आपको डिटेल्स में ये देखना है कि कौन सा लॉजिक गेट कैसे काम करता है तो आप यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिखे लॉजिक गेट्स EduPoint, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। फिर भी रिविजन के तौर पर चलिए देख लेते हैं कि अगर एंड गेट की बात हो तो ये काम कैसे करता है। देखिए लॉजिक गेट में बेसिकली कुछ इनपुट्स लाइन होते हैं, इनपुट लाइंस। तो अगर एंड गेट की बात करें, अगर सिंबल मैं इसका ड्रॉ करता हूँ, ये इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। तो इसमें अगर टू इनपुट एंड गेट की बात हो तो इसमें दो इनपुट लाइंस होते हैं और इसमें होता है एक आउटपुट लाइन, ये इसका आउटपुट लाइन है। तो अलग अलग इनपुट्स के लिए ये अलग अलग आउटपुट देता है, उसका एक स्पेशल लॉजिक होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर सिग्नल लो है, मान ले लो सिग्नल का मतलब होता है उसे जीरो ट्रीट किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अगर मान ले यहाँ पर सिग्नल हाई है तो इस लॉजिक में हाई को वन माना जाता है। तो इस स्पेशल इनपुट के लिए ये एक खास आउटपुट देता है, इसका आउटपुट होता है जीरो, मतलब इसमें लो आउटपुट होता है, लो वोल्टेज का सिग्नल रहता है यहाँ पर। अगर इसे टैबुलेट करूँ मैं तो दो इनपुट लाइन्स हैं, तो दो इनपुट लाइंस को नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ इनपुट को ए नाम दे देते हैं, इसे बी, और आउटपुट को वाई। सो ए और बी और ये वाई, अगर ए और बी में जीरो जीरो जब रहता है तो आउटपुट इसका जीरो होता है, ए और बी में अगर जीरो वन रहे तो आउटपुट इसका जीरो होता है। सिमिलरली वन जीरो में भी आउटपुट जीरो होता है, लेकिन वन वन जब रहता है तो आउटपुट इसका वन होता है। सो ये एक खास लॉजिक है एंड गेट का, ये एक खास लॉजिक है। लॉजिक कैसा है, अगर ए एंड बी दोनों में सिग्नल रहे, सिग्नल दोनों में अगर हाई हो तब जाके आउटपुट में सिग्नल रहेगा, दैट मीन हाई सिग्नल रहेगा यहाँ पर, हाई वोल्टेज रहेगा। उसी तरह का और गेट का भी एक टेबल आप बना सकते हैं, चलिए रिविजन के तौर पर एक बार बना ही लेते हैं हम लोग। सो और गेट के लिए और गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये और गेट का सिंबल होता है। अगर टू इनपुट और गेट की बात करें तो दो इनपुट लाइंस, एक और दो और एक आउटपुट लाइन, फिर से इसे ए और इसे बी नाम दे देते हैं इनपुट लाइंस को और आउटपुट लाइन को वाई। तो यहाँ भी इसमें भी एक खास लॉजिक होता है। लॉजिक कैसा, अगर दोनों में जीरो रहे तो आउटपुट जीरो होगा, अगर किसी में भी वन रहे तो आउटपुट वन होगा। इसीलिए तो ये और गेट है, ए और बी दोनों में किसी में भी अगर सिग्नल रहे तो आउटपुट में सिग्नल रहेगा। सो इस तरह से लॉजिक गेट काम करता है। आज के इस वीडियो का हमारा मुद्दा यह है कि लॉजिक गेट कंस्ट्रक्टेड कैसे होता है, कैसे बनता है, उसके पीछे जो सर्किट है वो सर्किट कैसा होता है। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बफर गेट से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल तो सारे गेट्स के लिए एक कॉमन सा एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये मान ले गेट है, अगर बात करें और एंड नॉर नैंड इन गेट्स की, तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि दो इनपुट लाइंस हैं इनके लिए फिलहाल तो हम इन छः गेट्स के बारे में बात करेंगे, इन्हें हम फिलहाल इस वीडियो में एक्सक्लूड करेंगे इनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये सारे छः जो लॉजिक गेट्स हैं ये कैसे काम करते हैं। तो इन चारों के लिए, और एंड नॉर नैंड इनके लिए, अगर टू इनपुट गेट्स हो तो दो दो इनपुट लाइंस होते हैं, एक आउटपुट लाइन होता है। और ये तो ऐसे ही काम नहीं करेगा, इसे एक वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है, एक पावर सोर्स चाहिए होता है। तो ये वोल्टेज सोर्स का ये जो लाइन है ये है, यहाँ से पावर, यहाँ से ये करंट ड्रॉ करता है, ये वोल्टेज का सोर्स है, और एक ग्राउंड निकलता है। तो ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे बफर और नॉट पे, इसीलिए बफर गेट और नॉट गेट जो है ये सिंगल इनपुट गेट होता है। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, कॉमन सा हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि यहां पर होगा एक इनपुट लाइन,
और एक आउटपुट लाइन। मैं एरो दे दूँ तो समझ में आएगा ये इनपुट लाइन है और ये आउटपुट लाइन है। और सिमिलरली यहाँ भी इसे एक पावर सोर्स की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर एक वोल्टेज का सोर्स है और एक ग्राउंड है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बफर गेट को। तो जब हम बफर गेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बफर गेट कैसे काम करता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। बफर गेट एक ऐसा गेट है, इसका सिंबल पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, कुछ ऐसा सिंबल होता है। बफर गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट लाइन होता है और एक आउटपुट लाइन होता है। इनपुट लाइन में अगर सिग्नल रहता है तो आउटपुट लाइन में भी सिग्नल रहता है, इनपुट लाइन में अगर सिग्नल नहीं रहता है तो आउटपुट लाइन में भी सिग्नल नहीं रहता है। मतलब ये कुछ खास लॉजिक नहीं है, जो भी इनपुट लाइन में है उसी को आउटपुट में भेज दिया। फिर आपके मन में ऐसा आ सकता है कि फिर बफर गेट को यूज़ क्यों किया जाता है, सीधा एक लाइन क्यों नहीं यूज़ किया जाता, एक वायर या फिर एक सर्किट का एक लाइन क्यों नहीं यूज़ किया जाता, इसे यूज़ करने का मतलब क्या है। ये एक्चुअली जो सिग्नल है उसे एम्पलीफाई भी करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वोल्टेज, मान ले कि पूरा सर्किट आपका नियरली 5 वोल्ट में काम कर रहा और यहाँ पर सिग्नल घटते हुए 3 वोल्ट अगर हो गया, वोल्टेज का ड्रॉप तो होता ही है सर्किट में ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड ऑल अदर थिंग्स, तो ये इसे एम्पलीफाई करके नियरली 5 वोल्ट बना देता है। मतलब सिग्नल एम्पलीफाइड हो जाता है, फिर आगे और दूर तक प्रोपागेट कर सकता है। तो बेसिक बफर गेट का काम यही है। इसी का उल्टा काम करता है नॉट गेट। इन दोनों का कंस्ट्रक्शन हम साथ में देखेंगे, बेहतर समझ में आएगा। नॉट गेट का सिंबल में देखें, यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल लगा हुआ होता है, ये ठीक बफर का उल्टा काम करता है। हम लोग जब इसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे इनका, तो बफर के साथ नॉट को और के साथ नॉर को और इस एंड के साथ नैंड को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत हद तक सेम होगा। सो ये नॉट गेट का आउटपुट लाइन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ नॉट गेट कैसे काम करता है। नॉट गेट जो भी इनपुट सिग्नल रहता है उसे कर देता है ये उल्टा। कैसे उल्टा कर देता है? अगर यहाँ पर 0 है तो ये 1 बन जाता है, अगर यहाँ पर सिग्नल लो है तो यहाँ पर ये आउटपुट लाइन में हाई कर देता है, यहाँ पर अगर हाई है तो आउटपुट लाइन में ये लो कर देता है। तो आप समझ गए, ये सीधे सिग्नल को सेंड कर देता है, ये सिग्नल को उल्टा करके सेंड करता है। सो आगे बढ़ते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो जनरल सा डायग्राम है यहाँ पर देखें, तो बेसिकली जो भी सर्किट बनेगा, सबसे पहले तो बफर के लिए हम बनाएंगे, ये जो था ये नॉट था, ये नॉट था। सो सबसे पहले बफर के लिए हम बनाएंगे, इसके लिए देखें हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए होगा एक सोर्स। सो ये जो है ये वोल्टेज का सोर्स है, मैं यहाँ लिख दूँ सोर्स, और ये भी सोर्स है, ये जो है ये ग्राउंड है। सो ये 0 वोल्ट में रहेगा, ये 0 वोल्ट में रहेगा। सो सबसे पहले हमें एक सोर्स और इनपुट लाइन बनाना होगा, और साथ में वहाँ पर ग्राउंड भी रहेगा और एक आउटपुट लाइन रहेगा। बफर काम कैसे करेगा देखें, आप अगर इस जनरल सा डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ से वोल्टेज का सोर्स तो है, तो करंट यहाँ से आ सकता है। करंट यहाँ से इस आउटपुट लाइन में अलाउड होगा कब? जब यहाँ पर सिग्नल रहेगा। अगर यहाँ पर सिग्नल ना रहे, यहाँ पर अगर सिग्नल नहीं रहता है, तो फिर ये जो सोर्स है, सोर्स से आउटपुट लाइन का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कट जाएगा। मतलब कि ये जो इनपुट लाइन है, ये कंट्रोल सिग्नल का काम कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह से इस सर्किट को, जो भी सर्किट हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर सिग्नल रहेगा तो कुछ एक इक्विपमेंट, यहाँ पर एक कंपोनेंट रहेगा जो कि एक्टिवेटेड हो जाएगा, जो कि इसे अलाउ करेगा, जाने देगा। अगर यहाँ पर सिग्नल नहीं रहा इनपुट में, तो फिर ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, ये इसे पार होने नहीं देगा। ऐसा कंपोनेंट क्या हमारे पास है? क्या आपको पता है ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसके कि एक एक लाइन में अगर सिग्नल रहे या फिर करंट रहे तो वो पूरी तरह से करंट को अलाउ करता है, अगर वहाँ पर करंट नहीं रहता है तो वो सर्किट में करंट को अलाउ नहीं करता है? अब थोड़ी देर सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, क्या ऐसा कोई इक्विपमेंट आपके पास है? बिल्कुल है, वो है ट्रांजिस्टर। अगर मैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करूं तो उसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होता है कि एक हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, उसे ड्रॉ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। और
एक होता है, ये होता है इसका कलेक्टर लाइन, ये कलेक्टर कहा जाता है, सी से डिनोट करते हैं, और ये जो लाइन है इसे एमिटर लाइन कहा जाता है, और ये जो है यहाँ से एक लाइन अंदर आता है जिसे कि बेस कहा जाता है। इसे आप घेरा भी लगा सकते हैं, गोल घेरा ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हम एक एरो दे देते हैं, ये इंडिकेट कर रहा कि ये NPN BJT है। देखिए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इस पर हमने काफ़ी चर्चा किया, काफ़ी डिटेल्स में बात किया एक वीडियो में, तो अगर आपको उसे देखना है तो आप जस्ट YouTube के सर्च बार में जाके लिखिए ट्रांजिस्टर EduPoint, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये काम कैसे करता है, मेन सोर्स जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, वोल्टेज सोर्स, सो यहाँ से ये करंट कोशिश करता है सेंड करने का, लेकिन अगर बेस में करंट ना रहे, बेस को बहुत छोटा करंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर यहाँ पर करंट ना रहे तो फिर ये जो है ट्रांजिस्टर इसे अलाउ नहीं करता है, करंट को यहाँ पास होने नहीं देता है, यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ से पास नहीं हो पाता है अगर यहाँ पर करंट ना रहे तो। तो इस वीडियो के हिसाब से हम कहेंगे यहाँ पर अगर सिग्नल ना रहे, तो अगर बेस में सिग्नल नहीं रहता है तो ये इसे अलाउ नहीं करता है, लेकिन अगर बेस में सिग्नल रहता है तो ये इसे अलाउ कर देगा करंट को। तो बस हमें इसी ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है। तो यहाँ भी वही काम है, देखिए यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा कि अगर यहाँ पर सिग्नल रहे तो फिर ये इसे अलाउ कर देगा ऐसे, और अगर यहाँ पर सिग्नल ना रहे तो इसे अलाउ नहीं करेगा, बस बन गया बफर गेट। तो बफर गेट को हम कुछ ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, सो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जो कि नॉर्मली नियरली 5 वोल्ट पे काम करता है, लिखने का तरीका VCC होता है यहाँ पर, चलिए मैं नहीं लिखूँगा VCC, बहुत सिंपल रखने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ से हम लगा देंगे एक ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल, और ये हो गया एमिटर टर्मिनल, यहाँ से बाहर निकलेगा ये लाइन, और यहाँ पर हो जाएगा बेस, और इसे आप घेरा लगा भी सकते हैं ऐसे ऐसे, एक एरो लगा दे इस तरफ, एरो रहेगा तो ये NPN BJT बन जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, देखें यहाँ से करंट सेंड करने का कोशिश करेगा ये बेस है, जो कि हमारे इस वीडियो के हिसाब से इसे हम इनपुट लाइन कहेंगे, सो ये जो है ये इनपुट लाइन है, और ये वाई जो है आउटपुट लाइन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए। चूँकि बेस को बहुत कम करंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट ना पहुँच जाए, इसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पर एक रेजिस्टर। रेजिस्टर लगाने के पीछे दो कारण हैं, एक कारण आपको अभी समझ में आया, और एक कारण पे हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर लगा दिया एक रेजिस्टर, तो यहाँ से अगर सिग्नल रहेगा ए में तो वो यहाँ से करंट पास करेगा, बेस में पहुंचेगा और यहां से करंट को अलाउ करेगा। अब हमें आउटपुट लाइन बनाना, हमें आउटपुट लाइन को इस तरफ लगाना होगा, तो हम आउटपुट लाइन को लगा देंगे यहां पर, यहां पर आउटपुट लाइन रहेगा यहां, सो ये हो गया आउटपुट लाइन वाई, और साथ ही साथ ये जो है इसे हमें ग्राउंड करना पड़ेगा, इसे हम कर देंगे ग्राउंड, तो ये हो गया 0 वोल्ट में आ गया। अब जैसा कि हमने बात किया, देखे दो कंडीशन रखते हैं, ये तो हमेशा 5 वोल्ट के आसपास के वोल्टेज सोर्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, अगर यहाँ पर सिग्नल आया तो ये ऑन हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, जैसे ये एक्टिवेटेड हुआ करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ आएगा, और यहाँ पर हमें एक लगाना होगा रेजिस्टर, रेजिस्टर इसलिए लगाना होगा वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ये नेगलिजिबल होता है, ये एक कारण है कि यहाँ पर हम लगाते हैं रेजिस्टर। तो देखिए सिग्नल या फिर कहें करंट यहाँ से आया, यहाँ से पार हुआ, कब पार होगा, जब बेस में सिग्नल रहेगा, पार हुआ यहाँ आया, इसके पास दो पाथ है, एक तो इधर और दूसरा इधर, तो मोस्ट ऑफ द करंट जो है यहाँ पर फ्लो करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सिग्नल है तो आपको यहाँ पर भी सिग्नल दिखेगा, अगर यहाँ पर सिग्नल ना हुआ तो
अगर इस जगह पे सिग्नल नहीं हुआ, जीरो है, दैट मीन ये एक्टिवेटेड नहीं होगा क्योंकि बेस में करंट नहीं है. जब बेस में करंट नहीं है तो यहाँ से करंट सेंड करने का तो कोशिश करेगा ये सोर्स, लेकिन ये ट्रांजिस्टर ये स्विच ऑफ रहेगा तो करंट अलाउड नहीं होगा. करंट यहाँ से अलाउड नहीं होगा, दैट मीन यहाँ पर भी सिग्नल जीरो रहेगा. तो हमने ऐसे बना लिया बफर गेट. अब इसी से मिलता जुलता होगा नॉट गेट, क्योंकि इसी का जस्ट उल्टा काम करता है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक ट्रांजिस्टर बनाएंगे. सो ऐसे ही एक ट्रांजिस्टर बन गया और एक बेस यहाँ पर इसे घेरा लगा देते हैं. चलिए इसे हमने घेरा लगा दिया ऐसे. और फिर ये जो सोर्स है, ये सोर्स जो कि नियरली 5 वोल्ट में है एग्जांपल के तौर पे, और ये हो गया, ये जुड़ जाएगा सीधे सीधे ग्राउंड के साथ नियरली, या फिर कहें 0 वोल्ट में रहेगा ये. और यहाँ जैसे पिछली बार हमने किया था, यहाँ पर हमें लगाना होगा एक रेजिस्टर, क्योंकि बेस को चाहिए होता बहुत कम करंट. और इसे हम नाम दे देंगे अब ए. देखिए बहुत हद तक मिलता जुलता है बेसिक स्ट्रक्चर जो है, लेकिन अब आउटपुट लाइन कहाँ पर डलेगा, यही पर डिफरेंस है. आउटपुट लाइन इसका डलता है ऊपर. क्यों ऊपर, आपको अभी समझ में आएगा, क्योंकि इसका उल्टा काम करेगा नहीं, तो इसके ऊपर हम आउटपुट लाइन को डालेंगे. आउटपुट लाइन ये डल जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आउटपुट लाइन. सो ये आउटपुट लाइन पाई. अब यहाँ भी एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी. सो यहाँ हम रेजिस्टेंस को डालते हैं यहाँ पर, रीज़न आपको सब समझ में आएगा. सो रेजिस्टेंस है यहाँ पर. तो अब देखें, जब इसके इनपुट लाइन में सिग्नल नहीं है, दैट मीन ज़ीरो है, हम बात कर रहे हैं नॉट गेट की, तो ज़ीरो है, दैट मीन ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेटेड नहीं रहेगा. अब देखिए क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ रेजिस्टर से पार होगा करंट, इसे लाइन मिलेगा ये, सीधे ये यहाँ से आगे चला जाएगा. दैट मीन यहाँ पर जब ज़ीरो है आउटपुट लाइन में, ज़ीरो नहीं होगा बल्कि आउटपुट लाइन में 1 बन जाएगा. लेकिन जब इनपुट लाइन में 1 होगा, दैट मीन सिग्नल रहेगा, तो ये ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाएगा. अब देखिए करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, इसके पास 2 पाथ है अभी, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ, दोनों खुला हुआ है. लेकिन ये करंट पार होगा इस ट्रांजिस्टर से. इसके पीछे का रीज़न ये है कि ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस ये नेग्लिजिबल होता है. बाकी कंपोनेंट के साथ अगर कंपेयर करें तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. तो भाई बहुत कम रेजिस्टेंस, लगभग ना के बराबर, करंट इससे पार होगा. लेकिन यहाँ भी तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से पार क्यों नहीं होगा. अभी आपको रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन नॉट गेट को आप कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे. ऐसा तो नहीं है इसका आउटपुट टर्मिनल को आप सीधे ग्राउंड के साथ जोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे. आप किसी न किसी कंपोनेंट के साथ जोड़ेंगे, चाहे वो एंड गेट हो, चाहे वो नैंड गेट हो, चाहे कोई भी गेट हो, उसके साथ आप जोड़ेंगे. दैट मीन ये आउटपुट जो टर्मिनल है, ये जो आउटपुट टर्मिनल है, किसी न किसी के इनपुट टर्मिनल में जाएगा. तो जिसके भी इनपुट टर्मिनल के साथ वो जुड़ेगा, वहां पर देखिए इनपुट टर्मिनल में रेजिस्टेंस होता है. सो उस रेजिस्टेंस के साथ वो सीरीज में जुड़ जाएगा. दैट मीन इस पाथ में उसको मिलेगा हाई रेजिस्टेंस. जब इस पाथ में उसको हाई रेजिस्टेंस मिल रहा और इस पाथ में उसे लो, बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मिल रहा, तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो जो होगा, करंट का फ्लो इधर होगा, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है. तो मोस्ट ऑफ द करंट, ऑलमोस्ट ऑल द करंट ये फ्लो करेगा इधर से. यहाँ से इतना कम करंट फ्लो करेगा, इतना ही कम कि वो इस रेजिस्टेंस से पार होने के बाद वो जब बेस में जाएगा, किसी के भी बेस में जाए, तो वो इतना कम करंट हो जाएगा कि वो उस बेस को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा. यही सब हिसाब लगाते हुए सारे रेजिस्टर्स को जोड़ा जाता है, उसका जो वैल्यू है उसे सेट किया जाता है. तो चलिए हमने क्या देखा कि जो नॉट गेट है वो बफर गेट का उल्टा काम कर रहा है, बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है. जब बफर गेट में ज़ीरो है तो आउटपुट में भी, बफर गेट के इनपुट में ज़ीरो है तो आउटपुट में ज़ीरो है, बफर गेट के इनपुट में 1 है तो आउटपुट में 1 है. वही नॉट गेट के इनपुट में अगर 0 होगा तो आउटपुट में 1 हो जाएगा, हमने देखा कैसे. और जब यहाँ पर 1 रहेगा तो आउटपुट में 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. अब बात करते हैं हम OR गेट पे, OR गेट और साथ ही साथ NOR गेट, दोनों को साथ में लेके चलेंगे. सो बफर के साथ साथ
हमने यहाँ पर नॉट गेट पे भी बात कर लिया है, ये जो था ये बफर गेट था। अब हम बात करेंगे और गेट और नॉर गेट पे। एक छोटा सा पॉज लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए क्योंकि लॉजिक जो है, बेसिक लॉजिक जो है, बहुत हद तक मिलता जुलता रहेगा। हमें कंस्ट्रक्ट करना है और गेट। और गेट कैसे काम करता है? सबसे पहले और फिर हम नॉर गेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए और गेट कैसे काम करता है। और गेट का ट्रुथ टेबल मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं कि इनपुट ए बी और आउटपुट जो है वाई, दोनों में से किसी में भी सिग्नल अगर रहे इनपुट में, तब जाके आउटपुट में ये सिग्नल देता है। तो इस केस में तो नहीं देगा, लेकिन इस केस में हो या इस केस में हो या इस केस में हो, सिग्नल ये आउटपुट में रहेगा। तो इसे अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है। दो कंट्रोल लाइंस देखें, ए और बी, जो इनपुट लाइंस है वही तो कंट्रोल करेगा पूरा फ्लो को करंट के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक सोर्स। सोर्स नियरली 5 वोल्ट में है, इसके साथ हमें जोड़ना है। देखिए ये करंट को सेंड करने का कोशिश करेगा, सोर्स से करंट फ्लो करने का कोशिश करेगा। दो कंट्रोल लाइंस हैं, दोनों में से कोई भी अगर सिग्नल रहे तब जाके करंट को यहाँ आउटपुट तक पहुँचना है। सो यहाँ से लेके ये मान ले आउटपुट है, बीच में हमें सर्किट को बनाना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आउटपुट लाइन जैसे कि पिछली बार भी हमने किया था, यहाँ एक रेजिस्टर जोड़ देंगे। सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इसे हम कर देंगे ग्राउंड, इसे कर दिया ग्राउंड, और आउटपुट लाइन को हम निकालेंगे यहाँ से, ये आउटपुट लाइन वाई हो गया। हमें यहाँ पर लॉजिक बनाना है, करंट को अलाउ करना है अगर दोनों में से किसी में भी सिग्नल रहे या दोनों में सिग्नल रहे। तो यहाँ पर हमें दो ट्रांजिस्टर्स लगेंगे, दो सिग्नल के लिए दो ट्रांजिस्टर, दो कंट्रोल के लिए दो ट्रांजिस्टर। तो देखिए एक ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर लगाएंगे, एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा, यहाँ से ये सीधा सोर्स के साथ जुड़ गया और यहाँ से ये आया और ये इसके साथ जुड़ गया। अब इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है उसे एक रेजिस्टेंस से हम पार करेंगे। डेफिनेटली हर बार हम यही करेंगे, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और ये जो है ये बेस है इसका, जिसे कि हमने नाम दिया था इनपुट ए। यहाँ पर देखिए अगर ए एक्टिवेटेड हुआ, ए में अगर सिग्नल रहा, दैट मीन ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेटेड होगा और करंट जो है यहाँ से यहाँ फ्लो करके ऐसे इस पाथ से पार हो जाएगा, इस लाइन से पार हो जाएगा। तो अगर ए में सिग्नल है यहाँ यहाँ, तो आउटपुट में हमें सिग्नल मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी करना होगा, ए में सिग्नल रहे ना रहे वो अलग बात है, अगर बी में भी सिग्नल रहे, सिर्फ बी में भी सिग्नल रहे तो भी करंट को पास होना है। तो एक और लाइन चाहिए होगा, एक और लाइन जो कि बी के लिए होगा। यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर होगा और यहाँ इसका बेस टर्मिनल और यहाँ से इसका जो एमिटर टर्मिनल है वो जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ ये ट्रांजिस्टर हो गया, ये जो है इसे भी हम रेजिस्टर के साथ जोड़ेंगे और ये हमने बना लिया इनपुट बी। सो ए और बी दो इनपुट हैं जो कि डिसाइड करेगा कि यहाँ से करंट फ्लो, इस सर्किट से करंट फ्लो करेगा, फ्लो करते हुए वाई में जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए दोनों में से कोई भी अगर एक्टिवेटेड हो, चाहे ये खुला हुआ हो चाहे ये खुला हुआ हो, करंट जो है ये फ्लो करेगा, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, या फिर दोनों भी खुला हुआ रहे तो दोनों तरफ से करंट फ्लो करेगा और फ्लो करते हुए यहाँ से आउटपुट लाइन से पार हो जाएगा। तो अगर इसमें 0 रहे और इसमें 1 रहे, ये तो खुल गया तो आउटपुट में हमें 1 दिखेगा। अगर इसमें 1 रहे इसमें 0 रहे तो भी ये खुल गया ये सर्किट यहाँ से, तो आउटपुट में हमें 1 दिखेगा। अगर दोनों में 1 रहे तो दोनों तरफ से खुला हुआ, आउटपुट में हमें 1 दिखेगा। अगर दोनों में 0 रहे तब जाके करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये भी बंद रहेगा ये भी बंद रहेगा, डीएक्टिवेटेड होगा। तो इस केस में करंट पार नहीं हो पाएगा और यहाँ आउटपुट में हमें सिग्नल 0 दिखेगा। तो ऐसे हमने बना लिया और गेट को। कुछ इसी तरह का बनेगा नॉर गेट।
लेकिन जैसे हमने बफर और नॉट में डिफरेंस देखा था, वही डिफरेंस हमें यहां पर दिखेगा, जहां आउटपुट लाइन नीचे है यहां पर और के लिए, जो कि बफर के लिए था, और एंड के लिए, नॉट के लिए क्या था, नॉट के लिए आउटपुट लाइन जो था वो ऊपर था। अब यहां पर नॉर चूंकि और का ही उल्टा काम करता है, नॉर कैसे काम करता है, अगर नॉर गेट के लिए मैं यहां ट्रुथ टेबल बनाऊं, तो ये तो और गेट के लिए था, ये और गेट के लिए था, ये अगर मैं नॉर गेट के लिए बनाऊं तो जहां जहां जीरो है उसी का उल्टा काम करेगा, जीरो में वन, और जहां जहां वन था और गेट के लिए वहां पर जीरो हो जाएगा। सो यहां पर वन और बाकी जगहों पे जीरो हो जाएगा, ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। इसे बनाना है, तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगा, तो मैं इसे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अब यहाँ कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो आउटपुट लाइन होगा उसका पोजिशन अलग होगा, तो यहाँ से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं नॉर गेट, तो यहाँ पर बाकी सब तो सेम होगा, लेकिन ये जो है ये इसका पोजीशन बदल जाएगा। सेम उसी तरह का लॉजिक होगा कि जैसे बफर का उल्टा नॉट काम कर रहा था, यहाँ पर और का उल्टा काम करेगा नॉर। तो यहाँ पर लगा देंगे रेजिस्टेंस हम, सो यहाँ से रेजिस्टेंस लग गया और आउटपुट लाइन जो है यहाँ से पार हो जाएगा, ये आउटपुट लाइन। देखिए जिन जिन केसेस में ये जो है ये और गेट एक्टिवेटेड था, जब जब चाहे यहाँ जीरो हो यहाँ वन हो, या ये वन हो यहाँ जीरो हो या वन वन हो, उन केसेस में और गेट जो था एक्टिवेटेड था, सो करंट जो है यहाँ से, चूंकि ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल होता है, तो यहाँ से पार हो सकता है। उन केसेस में जब करंट यहाँ से पार हो सकता है, उन केसेस में नॉर गेट के लिए हमें क्या करना है, नॉर गेट के लिए हमें आउटपुट लाइन में कुछ ऐसा बनाना है ताकि वो और गेट का उल्टा काम करे। और गेट में आउटपुट लाइन में पहुंच रहा था करंट, नॉर गेट में हमें उसी को रोकना है आउटपुट लाइन में। तो ऑब्वियसली जब ये पूरा का पूरा पार्ट एक्टिवेटेड रहेगा, पूरा पार्ट एक्टिवेटेड रहेगा मतलब चाहे ए में सिग्नल हो या बी में सिग्नल हो, किसी में भी सिग्नल हो, जब भी ये एक्टिवेटेड हो गया तो करंट को यहाँ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मिल रहा और ये ग्राउंड तक पहुँच जाएगा। जबकि यहाँ ये जो आउटपुट लाइन है, इसके आगे जैसे कि हमने बात किया, किसी न किसी वो लॉजिक गेट के साथ जुड़ेगा, किसी न किसी कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा वो, तो वहाँ पर उसे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द करंट जो है वो इस पाथ में फ्लो करेगा, और इस पाथ में जो है करंट ना के बराबर फ्लो करेगा। तो ये उल्टा काम कर गया, और गेट का उल्टा काम किया ना, चाहे ए में सिग्नल रहे या बी में सिग्नल रहे, ये एक्टिवेटेड हो गया, ये एक्टिवेटेड हो गया, तो पूरा करंट यहाँ से पार हो गया, यहाँ से जो है नेग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा, दैट मीन इसका सिग्नल जो है इसका सिग्नल हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर दोनों डीएक्टिवेटेड रहे, ये भी दोनों में सिग्नल जीरो है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में करंट जो है उसे फ्लो करने का पाथ मिलेगा ये, तो ये इस पाथ में फ्लो कर जाएगा, ये तो ब्लॉक हो जाएगा ये वाला सेक्शन, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और आउटपुट में आपको मिलेगा वन। कब वन मिलेगा, जब दोनों में यहाँ भी और यहाँ भी जीरो रहे, बाकी केसेस में आउटपुट में आपको जीरो मिलेगा। तो ये था और गेट और नॉर गेट का कंस्ट्रक्शन। अब आगे हम बात करेंगे एंड गेट और उसी तरह से नैंड गेट के कंस्ट्रक्शन पे, तो थोड़ा और एक बार पॉज ले लीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं। एंड और नैंड, सो यहां भी वही होगा, एंड गेट का कंस्ट्रक्शन जैसा होगा उसी के साथ मिलता जुलता होगा नैंड गेट का कंस्ट्रक्शन। तो एक बार ट्रुथ टेबल मैं पहले ही लिख देता हूं इस बार। सो एंड गेट का अगर ट्रुथ टेबल हो, इनपुट ए बी और आउटपुट वाई, सो जीरो जीरो एक पॉसिबल केस, जीरो वन वन जीरो वन वन, लॉजिक पे तो हमने बात कर ही लिया, यहाँ जीरो होगा यहाँ जीरो होगा यहाँ जीरो होगा यहाँ वन होगा, ये हमने बना लिया एंड गेट का ट्रुथ टेबल, एंड गेट का। तो अगर नैंड गेट का हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसी का जस्ट उल्टा होगा, दैट मीन ए बी इनपुट्स और वाई आउटपुट, सो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, जहाँ पर इसका जीरो है वहाँ पर वन होगा नैंड गेट में, और जहाँ पर इसका वन है आउटपुट में वहाँ इसका जीरो होगा आउटपुट में। अब इसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है, एंड गेट को ध्यान से देखिए,
दोनों का दोनों जब एक्टिवेटेड रहेगा ट्रांजिस्टर, तब जाके यहां पर आउटपुट में सिग्नल मिलेगा, बाकी केसेस में आउटपुट में सिग्नल नहीं मिलेगा। दोनों को एक्टिवेटेड रहना है, मतलब एक लाइन, एक यहां पर वोल्टेज सोर्स जो है इससे जो लाइन पार हुआ है यहां से, अब ये आगे जुड़ जाएगा इसके साथ, यहां पर आउटपुट लाइन पार होगा, यहां से आउटपुट लाइन पार हुआ और यहां पर ऑब्वियसली रहेगा एक रेजिस्टर, एक रेजिस्टर है यहां पर, और इसे हमने कर दिया ग्राउंड, जीरो वोल्ट, नियरली पांच वोल्ट। अब यहां पर हमें सर्किट को ऐसा बनाना है कि दोनों ट्रांजिस्टर को एक्टिवेटेड रहना है, करंट को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए दोनों को एक्टिवेटेड रहना होगा। तो क्या करेंगे आप, एक ट्रांजिस्टर यहां जोड़ दे, दूसरा यहां जोड़ दे और दोनों से ऐसे पास करें, ये और ये बेस होगा इन दोनों का, तो ये और ये दोनों एक्टिवेटेड रहेगा, तब जाके ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर दोनों एक्टिवेटेड होगा, तब जाके करंट यहां से फ्लो करेगा। तो उसी को हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बेहतर ड्रॉ करेंगे। सो अब यहां से थोड़ा मैं इसे और आगे बढ़ा लेता हूं। सो यहां एक ट्रांजिस्टर, यहां से फिर से एक ट्रांजिस्टर और यहां से इसे जोड़ दे ऐसे, ये इसका बेस और ये होगा इसका बेस, जैसे कि इससे पहले हमने बात किया है। यहां पर हम देंगे रेजिस्टर, यहां पर जुड़ जाएगा रेजिस्टर, यहां भी, और ये बनेगा ए, इनपुट ए, और ये इनपुट बी, आप इसे यहां पर घेरा लगा सकते हैं ऐसे, एरो भी लगा दे। चलिए तो अब सिचुएशन देखें क्या है, दोनों में से कोई भी अगर डीएक्टिवेटेड रहे या दोनों डीएक्टिवेटेड रहे तो करंट तो यहां से फ्लो नहीं कर सकता, ट्रांजिस्टर अलाउ नहीं करेगा, तो आउटपुट में सिग्नल नहीं दिखेगा। दोनों में से किसी में भी अगर सिग्नल ना रहे या दोनों में सिग्नल ना रहे तो आउटपुट में सिग्नल नहीं पहुंचेगा, लेकिन दोनों ही अगर एक्टिवेटेड रहे, ये भी वन ये भी वन, दोनों बेस में करंट है, दैट मीन दोनों ट्रांजिस्टर ऑन है, तो यहां पर ये करंट जो है फ्लो कर जाएगा और यहां से मोस्ट ऑफ द करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, आउटपुट में मिलेगा हमें सिग्नल, तो आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा। अब अगर आप NAND गेट को देखें तो इससे पहले के केसेस में जैसे हमने बात किया था वैसे यहां पर भी कुछ होगा। सो अब NAND गेट के केस में क्या होगा, आउटपुट लाइन जो है, आउटपुट लाइन इधर नहीं होगा, आउटपुट लाइन ऊपर होगा, लॉजिक सेम है, लॉजिक जो हमने बात किया इससे पहले लॉजिक वैसा ही होगा, इसे हम ऐसे जोड़ देंगे ग्राउंड के साथ और यहां से निकाल देंगे हम आउटपुट लाइन को, आउटपुट लाइन Y, और यहां पर जो है एक रेजिस्टर लगा देंगे। जब दोनों एक्टिवेटेड होगा, दोनों में वन होगा, इसमें भी और इसमें भी, चलिए यहां से इसे मिटा देता हूं, जब दोनों एक्टिवेटेड होगा, दोनों में यहां वन होगा, तो देखे करंट यहां पहुंचने के बाद दो पाथ मिलेगा इसे, एक तो इस तरफ और दूसरा इस तरफ, इधर इसे नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये इस पाथ में ज़्यादा फ्लो करेगा, जैसे कि हमने इसे पहले भी बात किया है कि ये कहीं ना कहीं जाके जुड़ेगा किसी न किसी कंपोनेंट के साथ या किसी लॉजिक गेट के साथ, तो वहाँ उसके इनपुट में इसे रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ आगे चलते हुए, तो बहुत बहुत कम करंट यहाँ से फ्लो करेगा, नेग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा, जिसे हम जीरो सिग्नल मानते हैं, क्योंकि वो बेस को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इतना कम करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये डीएक्टिवेटेड रहता है कोई भी ट्रांजिस्टर, चाहे ट्रांजिस्टर पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो, कोई भी ट्रांजिस्टर जब एक्टिवेटेड नहीं रहेगा उस केस में, दैट मीन दोनों में से कोई भी अगर जीरो हो उस केस में, ये तो अलाउ नहीं करेगा करंट को, जब ये अलाउ करंट को नहीं करेगा तो करंट जो है मोस्टली इस पाथ में पार हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें सिग्नल दिखेगा। यहाँ पर सिग्नल कब दिखेगा, जब दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर एक्टिवेटेड ना हो, दोनों में से हम NAND गेट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर अगर, कोई भी ट्रांजिस्टर अगर एक्टिवेटेड ना हो तब जाके हमें सिग्नल दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम
लॉजिक गेट्स को बनाते हैं, जैसे कि हमने बात किया एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उन दोनों को आप इन गेट्स से बना सकते हैं, नॉट गेट हो गया, ऑर गेट या नॉर गेट या एंड गेट या नैंड गेट, इनसे आप बना सकते हैं। तो अगर इनके कंस्ट्रक्शन को आप समझ जाते हैं तो इन्हीं को यूज़ करते हुए आप एक्सक्लूसिव ऑर और एक्सक्लूसिव नॉर बना सकते हैं। इसीलिए चूँकि वो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा इसीलिए उसे हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। आई होप कि इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम आगे के मुद्दों पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।